स्कूल चिल्ड्रन या स्कूली बच्चों में एपिलेप्सी को लेकर काफी कंसर्न है, क्योंकि पहले ये डाउट रहता था कि एपिलेप्सी की दवाई बच्चों के दिमाग को क्षीण कर देगी, बहुत दुर्बल कर देगी, याददाश्त चली जाएगी, मेमोरी कम हो जाएगी और स्कूल परफॉर्मेंस गिर जाएगी। पर आजकल जो नई दवाइयां आई हैं उनके बच्चों के दिमाग पर इतने साइड इफेक्ट नहीं होते और वह दवाइयां बच्चों के दिमाग को सुस्त नहीं करती। मिनिमम रिक्वायर्ड डोज में एप्रोप्रिएट दवाई खाने से बच्चा स्कूली परफॉर्मेंस को ठीक से कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि ए एंटी एपिलेप्टिक से आपके बच्चे को दिक्कत हो रही है, उसकी मेमोरी कम हो रही है, तो आप बी एंटी एपिलेप्टिक पे शिफ्ट कर सकते हैं, शायद वो आपका बच्चा उसे बेटर टॉलरेट करे। ऑल्सो अगर आपके बच्चे को मेमोरी का लॉस हो रहा है या स्कूल परफॉर्मेंस खराब हो रही है तो देखिए कहीं वो साइकोलॉजिकली अफेक्टेड तो नहीं है। दूसरा, उसको वाइटमिन की डेफिशियंसी जैसे वाइटमिन बी या थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, या आप ही उसे पढ़ने नहीं दे रहे क्योंकि आपको लगता है कि दौरा या बच्चे को तो ज्यादा पढ़ाई ना करे। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए ताकि आप बच्चे को होलसम ट्रीटमेंट दे सके।